दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए इस चमन के लिए ताकि खिलते रहे गुल। कि आपको छिंदवाड़ा में जयजा सोसाइटी और सामने सेना मतलब 26 साल करके और आज इन लड़कों के लिए 60 साल की एज तक बोला कि मैं इन बच्चों के लिए अपना ट्रेनिंग निःशुल्क कर इस चीज़ करवाया और मैं उनके साथ जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो इसलिए ये कर रहा हूँ कि चलो मेरी एज थी कि अभी नहीं तो मैं भी आपके फिर भी हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और इस मौका को मत छोड़ना। आपने कहा कि मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ, मतलब ये जब से ओपन हुई है तब से, तो आपने इतनी सारी स्टोरी में हम लोग ये सजेस्ट किया कि वो शहर है ना सर कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, तो यूँ थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तो यूँ थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो हमारे रूपम साहू जी से भी निवेदन करता कि वो भी अकादमी के विषय में 2 शब्द और ट्रेनिंग के विषय में कहें। जय हिंद सभी को। मैं आपके ऐसा ही बैठे रहता था यहाँ पे, ऐसी सर ऐसी मोटिवेशनल आते थे व्यक्ति, कुछ दोस्त लोग मेरे आगे यश बघेल मेरे साथ वाले ट्रेनिंग कर रहे, मैं भी आर्मी में सिलेक्शन हुआ सर के मार्गदर्शन में, सर के मार्गदर्शन में त्रिगाम सर जी के और मोहन सर जी के मार्गदर्शन में मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था सर के साथ। और जब शुरू में एकेडमी चालू हुई थी, जब सर से ओलंपिक ग्राउंड में मुलाकात सर ने बुलाए, समझाए कैसे होते नॉर्मल, जो अगर 3 महीने की जो अगर सर से ट्रेनिंग ले लेता तो वो इतना काबिल बन जाता है कि वो अगर खुद से भी अगर करे तो वो समझ जाता है कि फिज़िकल क्या होता है। फिज़िकल अगर आप तैयारी कर भी रहे हो और अगर जैसे जिस चीज़ में फ़िज़िकल की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन फ़िज़िकल आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों स्ट्रांग करता है, पढ़ने में भी आपको योगदान देगा। जो कुछ भी अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ सर लोगों की मार्गदर्शन से पहुँचा हूँ, और अगर सर लोगों का और आशीर्वाद रहेगा तो और ऊपर तक जाऊँगा। धन्यवाद। जो भी कुछ अकादमी के विषय में बता ही दिया है, इन लोग का हमेशा ये अभी तो राजेश त्रिगाम साहब तो जीवन भर रहेंगे और अभी जीवन भर का हम लोग धीरे धीरे हमारा काम भी थोड़ा कम होगा या इस क्षेत्र में होता है तो हमारे जो बंदे हैं अभी वो इस पर काम करते रहेंगे। जैसे अभी आर्मी के अंदर चले गए, अब इनका काम है कि अकादमी को कैसे आगे बढ़ाते रहना है, जब भी छुट्टी आए वो यहाँ पे अकादमी में आए, देखे परखे, बराबर लड़कों को मोटिवेट करते रहें, हर प्रकार का साथ सहयोग देते रहें, तो डेफिनेटली अपनी ये अकादमी ऐसे निरंतर चलते रहेगी। और ऐसे ही कई हो, ये तो अभी एक शुरुआत है, अपने 7-8 लड़के आज नौकरी पर जा चुके हैं और ये तो निरंतर अपना काफिला इस प्रकार से ही बढ़ता रहेगा। जय हिंद जय भारत, मेरा यही है।